नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले हम ईवीएस के जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं, वो हम 6 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा 7वां पार्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जो नारियल है, जो उसके खाने योग्य जो भाग होता है, जो हम खाते हैं, वह है कौन सा भाग होता है? फल भित्ति होता है, या पूर्ण पोष होता है, भ्रूण पोष होता है, बीजावर्ण होता है, या पूर्ण बीज होता है? तो भाई इसका राइट आंसर बी आएगा कि नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वह भ्रूण पोष होता है। तो बी इसका क्या है, राइट आंसर रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म होने है पर है, अतः वैकल्पिक ऊर्जा की ओर हमें जाना चाहिए। इनमें से कौन सी वैकल्पिक ऊर्जा हो सकती है? इसने वैसे बताया है पेट्रोलियम का कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट इसने पूछा है कि वैकल्पिक जो ऊर्जा होती है वह कौन सी हो सकती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो वे चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? ये चार ऑप्शन हैं। तो आप सभी को पता है जो वैकल्पिक ऊर्जा होती है वह कौन सी होती है? बायोगैस होती है। बायोगैस के बारे में आप सभी समझते होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी जो हमारा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि बताइए कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण हैं भाई वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए, घास भूमि के लिए, या सवाना के लिए? भाई कैक्टस का पौधा जो होता है रेगिस्तान का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बी जो इसका क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण नहीं है? नहीं वाला बताना है भाई कौन सा नहीं है भूमिगत जल स्तर का। भाई वर्षा की मात्रा होता है, अनियमित जल का निष्कासन ये भी होता है, भाई मृदा अपरदन ये भी होता है, गहन कृषि जो है वह जल स्तर गिरने का कारण नहीं होता है। तो डी जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, इसका डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन अच्छा है कि साल, सांगवान, बांस और शीशम का किस बायोम के वृक्ष है? तो ये वृक्ष बताए गए हैं, तो पूछा है किस बायोम के हैं। ये मैंने डिटेल से चैप्टर करवा रखा है, जिस बच्चे ने नहीं देखा वह देख सकता है। भाई मानसूनी बायोम के हैं, या मरुसागरीय बायोम के हैं, विषुवतीय रेखीय बायोम के हैं, या मानसूनी सदाबहारी बायोम के हैं? तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर ए आएगा। जो साल, सांगवान और बांस शीशम हो गया, यह है मानसूनी बायोम के हैं। तो ए इसका क्या है, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए कि खाद्य पदार्थों के लिए परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? भाई परिरक्षक के रूप में पूछा है किसके लिए, खाद्य पदार्थों के लिए, भाई फेरिक क्लोराइड, फिटकरी, या सोडियम बेंजोइट? और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा यहीं पर राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। सोडियम बेंजोइट जो है इसका हम प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों के लिए परिरक्षक के रूप में, ठीक है। तो सी जो हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, जो लेड होता है, शीशा होता है, वह होता है उससे मतलब क्या होता है? भाई मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है, या फिर ये सभी कारण होते हैं? तो भाई पीबी से क्या हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट पूछा है कि बताइए भाई जो पर्यावरण वाहिनी कार्यक्रम का शुभारम्भ कब किया गया था? तो पर्यावरण वाहिनी का जब शुभारंभ किया गया था यह 1992 और 1993 ईस्वी में किया गया था। तो इसका भी क्या है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। फिर है बताइए कि पारितंत्र में बाज का स्थान है, भाई बाज उपभोक्ता, या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, या सर्वोच्च उपभोक्ता, या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता? अच्छा क्वेश्चन है, पारितंत्र में बाज का स्थान कौन सा होता है? तो सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, सर्वोच्च उपभोक्ता का इसका क्या है, स्थान रहता है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है था। मतलब क्या है ये पूछ रहा है कि पहला देश वह कौन सा है जिसने की जो कार्बन टैक्स है उसकी लगाने की घोषणा की गई थी। तो कौन सा देश है, जो न्यूजीलैंड है वह हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, न्यूजीलैंड जो है राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मृदा प्रदूषण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है वह कौन सा हो सकता है। किसमें से बताना है, हमारे सामने चार ऑप्शन है उसमें से बताना है भाई, कांच है, प्लास्टिक है, अपमार्जक है या कार्बन डाइऑक्साइड है। मृदा प्रदूषण के बारे में पूछा है तो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है प्लास्टिक हो सकता है, तो बी इसका जो है हमारा राइट आंसर रहेगा भाई। फिर है कि विश्व खाद्य दिवस, जो विश्व खाद्य दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ए जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है कि बताइए भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं भाई, किससे घिरे हुए हैं, जंगलों से घिरे हुए हैं, नदियों व झीलों से घिरे हुए हैं, मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं, या पर्वत या फिर पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। तो इसने अधिकांश वन्य जीव क्षेत्र पूछे हैं, तो यह हमारा राइट आंसर रहेगा सी जो है, जो मानवीय बस्तियां हैं उनसे ज़्यादा क्षेत्र क्या है घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा, सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट देखिए कि बताइए निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। अब की क्या बात पूछी है उसने, नहीं वाली बात पूछी है, तो डीजल इंजन से क्या है वायु प्रदूषण हो जाएगा भाई, ये तो बात ठीक है भाई, परागण से वायु प्रदूषण हो सकता है, ताप विद्युत शक्ति केंद्र या फिर जल विद्युत शक्ति केंद्र, इनमें से बताइए कौन सा राइट आंसर आएगा, ना तो फर्स्ट आएगा ना सेकंड आएगा, क्योंकि इनसे तो हो सकता है। अब मेरे को ऑप्शन डाउट है सी और डी में, बताइए कौन सा आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा जल विद्युत शक्ति केंद्र से क्या है वायु प्रदूषण नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर है बताइए, ये आपके सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है जिसके परिणाम स्वरूप वहां वन होते हैं भाई, किस प्रकार के वन होते हैं, इसने पूछा है भाई, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ वन होते हैं, किस प्रकार के वन होते हैं जहाँ पर क्या है जिस ज़्यादा वर्षा होती है उष्ण क्षेत्रों में, सदाहरित वन होते हैं या फिर दूर पर्णी वन होते हैं या घास वन होते हैं या मरुस्थल वन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ए रहेगा कि जहाँ पर उष्ण क्षेत्र है और वहाँ पर अगर अधिक वर्षा होगी तो वहाँ पर हमेशा किस प्रकार के वन रहेंगे, सदाहरित वन रहेंगे, तो ए जो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए भाई भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का वर्तम क्षेत्रीय विस्तार है, तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर आ जाएगा सागौन, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सागौन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा कि बताइए एक पारितंत्र में शैवाल, जिसको हम हरी काई के बार बोला जाता है, शैवाल का स्थान कौन सा होता है, तो उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है, अपघटक होता है या शाकाहारी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, उत्पादक क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बताइए कि पृथ्वी पर जो खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं वह विषुवत रेखा पृथ्वी को बांटती है भाई, कितने भागों में बांटती है, दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में, छह भागों में, यह है दो भागों में बांटती है विषुवत रेखा को, तो इसका राइट आंसर जो है ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा, दो भागों में बांटती है। फिर है जो बांदीपुर अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थित है, तो बांदीपुर अभयारण्य जो हुआ ये कर्नाटक में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। इससे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है भाई, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट पूछा है कौन सा स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या वर्ध हिमालय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान या फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी है यह है चमोली के निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये तो आप सभी को पता होगा भाई, पीली क्रांति किसको कहा जाता है? भाई पीली क्रांति सरसों के उत्पादन से होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरसों के उत्पादन से। फिर है वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोलॉजी जो होता है वह वृक्षों के अध्ययन को कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी। तो इसको हम वृक्षों का अध्ययन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आज हम यही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप बता सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।